सिनेमा शुक्रवार रिलीज होती डिसेंबर 2 रे आ पूरा ओडिशा जितक हल रिलीज हो सब जगार आमको बहुत भल भल रेस्पन्स मिलूँ लोक मैंने सोशल मीडिया देखिपे कि प्रतीक्षा ओडिया फिल्म रिएक्शन रे केमती कौन सब लोक मैंने हल रु बाहर पर कौन तक निजस्व मतामत दौंत तो पब्लिक ये जो रेस्पन्स टू बड़ रेस्पन्स आम कि नुहे ऑलरेडी फिल्म टा क्रिटिकली एक्लेम्ड हो सारी आगर यहाँ वाशिंगटन डीसी वर्ल्ड प्रीमियर होता है जोटि बेस्ट स्टोरी अवार्ड पाई इफी गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया रे इंडियन पानोरमा भितर 25 फीचर फिल्म भितर एकमात्र ओडिया भाषा फिल्म भाव सिलेक्ट हो सारी तो क्रिटिकली एक्लेम्ड हो सारी एवं कमर्सियली रिलीज होती आउ ये 3-4 दिन भितर बहुत ही भल रेस्पन्स आसो ना कौन लोक मैंने रिलेट कर सिनेमा सहित जो लोक भल लगुच आशा करा आगे आहरी बढ़ो आगे बेस हल आगे मिले बेस स्क्रीन मिल जहाद्वारा कि ये फिल्मटा कौन कि गोटे नेशनल लेवल ओडिया फिल्म को आम रिप्रेजेंट कला भाया गोटे फिल्म कि आम लांगुएज्रे भी सेमती आम बाहर लांगुएज सहित गोटे मैच कला भाया गोटे फिल्म जोटा कि आम रिप्रेजेंट करा को तो ये फिल्मटा समस्त ओडिया लोक देखा दरकार तो मैं आशा करी कि आसी हल मिलू बे स्क्रीन मिलू जहाद्वारा कि समस्त पाखे फिल्मटा पहुँच फिल्म आज जो देखु कि बाहर पचार जापर से कौटि ना कौटे निजर कहानी एथेर खोजी पाँच गोटे भुवनेश्वर से गोटे मध्यवित पर गोटे युवक संघर्षमय जीवन कहानी से गवर्नमेंट चाकरी चारिड़े खोजी बुलू तार से चाकरी खोजा बेलें तार घर सहित कौन रिलेसन तार बापा सहित केमती माँ का सहित केमती रिलेसन भौणी तार सांगसाथी जो मैंने अच्छा समस्त केमती सांगे नहीं जाऊँच तो लोक मैंने कौटि ना कौटी निजर कहानी भावुं से मुख्य चरित्र जे संजय दास अच्छा जो चरित्र मुझे अभिनय करें निजक खोजी पाँच तो सहीटा ही गोटे सिनेमार आम मुख्य उद्देश्य था कि रिलेट हो लोकटा जिनसटा कारण रिलेट हेले लोक सिनेमाटा को एनगेज हो पारे कनेक्ट करके देखिपारे आगो को एमती किसी निच्छक ओडिया फिल्म कर आशा अच्छी तो फिल्म लगे एमती किसी जो रियलिस्टिक अप्रोच कथा थी कारण से सब अभिनय जिनस ओडिशा बहुत कम देखा मिले ये सब सिनेमार से सब स्कोप मिलू तो मुझे धन्यवाद देवी आम मेकर्स अनुपम पट्टनायक अच्छा डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर रोशन बिशोई तो से सब सेमती भल भल डायरेक्टर मान सहित काम कर इच्छा अच्छी आशा करमती सिनेमा आसवे दरकार जोटा कि आम गोटे अलरेडी स्टैंडर्ड सिनेमा हो केवल भल कहानी हेबनी भल मेकर्स भल आर्टिस्ट से दरकार भल सिनेमाटोग्राफर भल साउंड डिजाइनर कहीं सब डिपार्टमेंट को सेक इक्वाल इंपोर्टेंस दिखाई प्रतीक्षाटा आज लोक मन को छुई पारी तो केवल हिरो हिरोइन हो गले कि केवल डायरेक्टर हो गले हेबनी प्रति डिपार्टमेंट को सेक इंपोर्टेंस दे सिनेमाटा गोटे टीम वर्क हिसाब से आगे आसपार फिल्म टी बहुत भल हो यह एक मिडिल क्लास फैमिली संघर्ष कहानी जोटा मिडिल क्लास फैमिली डेली जीवन दर्शाऊँ एटा गोटे फिल्म टा से दर्शाऊँ जोटा कि बहुत भल लगुच देखा एक सत घटना भाई लगुच गोटे मनीषर जीवन रोटे सत घटना भाई लगुच बहुत भल लगुच भल फिल्म टे यही फिल्म जदि आम ओडिया इंडस्ट्री आग को दे पारे लोक निश्चित भाव आकृष्ट है। मेरा नाम अमरजीत कुमार है। जब अभी तक तो फिल्म काफ़ी अच्छे पेस पे चल रही है और काफ़ी स्टोरी जो है जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास फैमिली की एक जो क्या बोलते हैं संघर्ष है ये और कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को जोड़ता है ये फिल्म ना। इससे पहले दमन एक फिल्म आई थी वो भी मैंने देखा था तो अब चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो रही हैं उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था कि कॉपी पेस्ट साउथ से लोग कॉपी पेस्ट कर देते थे मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट सब कनेक्शन था लेकिन अब क्या हो रहा है कि रियलिस्टिक चीज़ें बन रही हैं जो कि बहुत फिल्म को लेकर बहुत ज़रूरी चीज़ है और ऑथेंटिक रियलिटी में ही है जहाँ तक मुझे लगता है। और इस तरह की फिल्में आएंगी जिस तरह से दमन ने पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में भी नाम कर लिया उस एक अच्छा अपना प्लेस बना लिया तो इससे लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि नहीं स्कोप तो है हर जगह है बस ज़रूरत है नए लोगों को लेके आने की नई स्टोरी को लेके आने की और ऐसा नहीं है टैलेंट हर जगह है और मैं तो जहाँ तक देखता हूँ कि उड़ीसा में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ऐसी फिल्में हमेशा बननी चाहिए जिससे यहाँ ही नहीं बाहर भी लोग अपने मन से जाएं देखने फिल्में ना कि किसी स्टार की वजह से और
अभी तक मैंने अभी फर्स्ट हाफ ही देखा है, फर्स्ट हाफ के बाद तो मैं खुद को इस फिल्म से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और इस तरह का सिचुएशन मैंने अपने घर में भी झेला हुआ है कि एक मेरे बड़े पापा को कैंसर हो गया था एक टाइम पे, तो हमें भी पता चल गया था कि इतने महीने ही वो रहेंगे, तो उस दौरान चीज़ें कैसे बदलती हैं घर में, कैसे खुद को खुश दिखा के भी अंदर से इंसान कैसे खुद को मजबूत करता है और रोता है अंदर ही अंदर, वो चीज़ मुझे दिख गई इस फिल्म में, तो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ और बहुत अच्छी फिल्म है।